वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास कुछ देर बाद तलब कर लिया। वफाकी काबीना के इजलास में 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। 26वीं आइनी तरमीम आज ही सेनेट में पेश किए जाने का भी इम्कान। पार्लिमानी कमेटी ने आइनी तरमीम के मुसवदे की मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बताया किसी पार्टी की तरफ से कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंच के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। खुसूसी कमेटी से मंजूर आईनी तरमीम के ड्राफ्ट की कॉपी एयरवाई न्यूज ने हासिल कर ली। मुजवजा तरमीम के मुताबिक जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज शामिल करने की तजवीज। और आइनी तरामीम पर इत्तफाक राय हो चुका है। आइन साजी अपनी सियासी ताकत पर करके दिखाएंगे। इस्लामाबाद में ये मेरा आखिरी वीकेंड होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी कमेटी इजलास से खिताब। कहा मौलाना साहब के जायज़ मुतालबात कल वजीर आजम के सामने रखे। उम्मीद करता हूँ वजीर आजम ने जो यकीन दहानी कराई उस पर अमल दरामद करेंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। एक्ट में तरमीम का माजी से इत्तलाक नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती 8 जजेस ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। कहा तमाम आईनी सवालात का बगौर जायजा लिया गया, अब कोई वजाहत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की जाने वाली इलेक्शन एक्ट में तरमीम की कोई हैसियत नहीं। आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम है। इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इत्मीनान का इजहार। कहा वजाहत के बाद अब पीटीआई को मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए, उम्मीद है आइन की बालादस्ती होगी। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा हुकूमत की पूरी कोशिश थी इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशस्तों का फैसला लेकर आइनी तरामीम करा लें। अदालती फैसले के बाद की जाने वाली इलेक्शन एक्ट में तरामीम की कोई हैसियत नहीं। माहिर कानून शहबाज खोसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा है जो आइन और कानून की वजाहत और हिदायत देगा। इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मुअस्सर हो जाता है। कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तों पर मुअत्तल अराकीन की बहाली की तजवीज़ दे दी। ज़राए का कहना है कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दी। कहा पार्लियामेंट की मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशस्तों से मुतालिक मशावरत जारी रखने का फैसला। पीर को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान। 26वीं तरमीम का मामला फैसल वाडा का मानी खेज ट्वीट। सेनेटर फैसल वाडा ने लिखा चेहरा मास्क या सिर्फ हमाम। मजाहिमत का एक और चराग बुझ गया। इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्ला के बाद हमास सरबरा याहिया सनवार भी शहीद कर दिए गए। हमास की जानिब से सनवार की शहादत की तस्दीक कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गुज़श्ता रोज रफह में लड़ाई के दौरान याहिया सनवार समेत हमास के 4 रहनुमा शहीद किए। सिहूनी फौज याहिया का जसद खाकी जनूबी इसराइल ले गई, जहां डीएनए टेस्ट से हमास सरबरा की शनाख्त की गई। अमरीका ने भी हमास सरबरा की शहादत का ऐलान किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिटाई। कहा याहिया सनवार की शहादत के बाद भी गजा में हमले जारी रहेंगे, जंग अभी खत्म नहीं हुई। सनवार की शहादत जज्बाए मजाहमत को कुव्वत बख्शेगी। हमास सरबराह की शहादत पर ईरान का रद्द अमल। अक़वामे मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब का कहना है जंग में लड़ते सनवार नौजवानों और बच्चों के लिए मिसाल बनेंगे। जब तक कब्जा और जारहियत जारी रहेगी मजाहमत भी जारी रहेगी। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल के खिलाफ जंग के नए मरहले का ऐलान कर दिया। इसराइल पर हमले मजीद तेज होंगे। पहली मरतबा गार्डेड मिसाइल और नए किस्म के खुदकुश ड्रोन तैयार इस्तेमाल किए जाएंगे। फलस्तीन गजा और लबनान के मुसलमानों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। निहत्ते फलस्तीनियों और लबनानियों की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इमदादी फंड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई इमदाद के हवाले से जायजा इजलास।
वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान मौसम सरमा के लिए गजा और लबनान में बहन भाइयों के लिए मजीद खेमे कम्बल भेजेगा। इसराइल का फलस्तीनियों तक इमदाद में रुकावट पैदा करना तशवीशनाक और काबिले मजम्मत है। पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा माफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो बाइडन को खत में लिखा, आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद सुनाई गई, वो 16 साल की सजा काट चुकी हैं। आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। मेरी आपसे अमरीका और लाहौर में मुलाकात हुई, मैंने आपको हमेशा पाकिस्तान और इसके आवाम का दोस्त पाया। बतौर वजीर आजम इस मामले में मुदाखलत मेरी जिम्मेदारी है। आफिया सिद्दीकी की फैमिली और लाखों पाकिस्तानी आपकी इनायत के मुंतजर है। मुल्तान का हिसाब मुल्तान में पूरा हो गया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में शिकस्त दे दी। 297 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 144 रन पर ढेर। स्पिनर साजिद खान और नोमान ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। दोनों ने 20 विकेटें ली। नोमान की मैच में 11 और साजिद खान की 9 विकेटें रिकॉर्ड भी बनाए। शान मसूद की कप्तानी में 6 नाकामियों के बाद पहली कामयाबी मिली। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन टेस्ट रावलपिंडी में होगा। मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मुल्तान टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच साजिद खान कहते हैं, काफी अरसे से मैचेस हार रहे थे, अल्लाह का शुक्र है टीम की कारकर्दगी में अहम किरदार अदा किया। नौमान अली ने कहा, 14 माह बाद टीम में आया, खुशी है अपनी परफॉर्मेंस से टीम को कामयाबी दिलाई। जो रूट की विकेट सबसे अहम थी। कप्तान शान मसूद ने कहा, ये पहली जीत बहुत मुश्किल से मिली और ये मेरे लिए बहुत खास है। टीम जीतने के लिए पुरजोश थी, तमाम खिलाड़ियों ने जीत में हिस्सा डाला, प्लान तब्दील किया और वो हमारे हक में काम आया। वेल डन पाकिस्तान टीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्तान टेस्ट में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। कहा, टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अरसे बाद पाकिस्तान टीम ने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड से टेस्ट मैच जीता। चेयरमैन पीसीबी की भी टीम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना था, नए खिलाड़ियों ने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिया। तवील अरसे बाद होम टेस्ट मैच में कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। साजिद खान और नोमान अली ने शानदार बॉलिंग करके फतह में अहम किरदार अदा किया। सानिहा कारसाज की बरसी पर पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में जलसा करेगी। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, कारसाज हमला सोची समझी साजिश थी। दहशतगर्दों ने बेनजीर भुट्टो और मरकजी क्यादत को निशाना बनाया। दहशतगर्दी और तशद्दुद से जमहूरियत की आवाज दबाने वाले नाकाम हो गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कारसाज पर यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे। सानिहा कारसाज में ARY न्यूज के कैमरामैन मोहम्मद आरिफ भी शहीद हुए थे। सरगोधा में पुलिस अहलकार की लड़की से ज्यादती, मजिस्ट्रेट की जानिब से सुलह के लिए दबाव डालने की कोशिश। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को मुरासला। लड़की ने बयान में बताया, मजिस्ट्रेट ने कहा, तुम्हारी मुलजिम से शादी करा देता। मुलजिमान ने डराया और धमकाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाकया सामने आने के बाद नोटिस लिया था। महकमे दाखिला पंजाब ने तालबा से ज्यादती की गैर मुसद्दका खबर सोशल मीडिया पर वायरल करने की तहकीकात के लिए JIT बना दी। 6 रुकनी टीम में 3 पुलिस अफसर और 3 हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। रावलपिंडी में एहतजाज करने पर तलबा और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का कहना है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और वीडियोज वायरल की जा रही है। तहरीक फसाद पार्टी तलबा को वरगला कर अमन व अमान खराब करना चाहती है। किसी को बांग्लादेश की तरह मुल्की इस्तेहकाम खराब नहीं करने देंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने अजमा बुखारी और तालिबात को हिरासा करने का केस यकजा कर दिया। अदालत ने दरखास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच पीर को दोनों केसेस की समाअत करेगा। अदालत ने DGFIA को तलब कर लिया। अदालत ने कहा, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की मुतासरा बच्ची का बयान कलमबंद किया जाए। तालिबा पर दबाव डाला गया तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। DGFIA कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हिरासती केसेस की तहकीकात करें। नौजवान गुमराही का शिकार न हो, तरक्की के लिए मुस्बत सोच अपनाएं। बलूचिस्तान हुकूमत अपनी जरूरियात कम करके नौजवानों पर वसायल खर्च कर रही है।
वजीर आला बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। सरफराज बुगती ने कहा 16 साल तालीमी अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बैड गवर्नेंस का खात्मा करके नौजवानों को रियासत से नजदीक करेंगे। कोई नौकरी नहीं बिकेगी, मेरिट को यकीनी बनाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि रियासत के खिलाफ प्रोपोगंडे को नाकाम बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों से मुतालिक पॉलिसीज पैकेजेस कोटे को गैर आइनी करार दे दिया। वजीर आजम पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और उसका ऑफिस मेमोरेंडम कलदम करार। अदालत की विफाकी और सूबाई हुकूमतों को बगैर इश्तेहार या ओपन मैरिट मुलाजमतों की पॉलिसी खत्म करने की हिदायत। अमरीका में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गिर्द घेरा तंग। अमरीकी महकमा इंसाफ ने रॉ के मफरूर फील्ड अफसर विकास यादव पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। अटॉर्नी जनरल कहते हैं विकास यादव और निखिल गुप्ता ने अमरीकी शहरी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। 39 साल विकास यादव मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्वस है। चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार निखिल गुप्ता पर पहले ही फर्दे जुर्म आयद की जा चुकी है। मुलजमान ने सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। यूनेस्को ने गलत मालूमात की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली। पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तखार अहमद ने रुकन ममालिक की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। कहा करारदाद के नतीजे में आजादी इजहार के मौसर फरोग और तहफ्फुज़ के लिए गलत मालूमात नफरत अंगेज तकरीर का मुकाबला किया जा सकेगा। पाकिस्तान को कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, साजिद खान और नुमान अली जैसे मैच विनर्स चाहिए। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज का कौमी टीम की कामयाबी पर तबसरा। ट्वीट में लिखा टीम को पीआर एजेंसीज की जरूरत नहीं। बाबर आजम ने भी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शाहीन आफरीदी ने लिखा साजिद और नमान ने कमाल परफॉर्मेंस दिखाई। कामरान गुलाम और सलमान आगा भी काबिल तारीफ हैं। बगैर बाबर के टीम का रमीज राजा को करारा जवाब। रमीज राजा ने बाबर के ड्रॉप होने पर कहा था पाकिस्तान टीम में कोई सुपरस्टार नहीं। नए खिलाड़ियों को शामिल करने के फैसले पर तंकीद की थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास आज से दुबई में होगा। 18 से 21 अक्टूबर तक होने वाले इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के मामला और अब तक की अपडेट पर तफसीली बात होगी। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। रूस से अमरीका, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका, बरतानिया से चीन, नगर नगर की सकाफत एक जगह पर। दुबई का ग्लोबल विलेज फिर से सज गया। 29वें एडिशन में इस बार इराक, उर्दन, बांग्लादेश और श्रीलंका भी शामिल है। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज पाकिस्तानी थिएटर प्ले मी रक्सम पेश किया जाएगा। दुनिया भर से आए फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं।